दोस्तों जब से जियो फाइबर ने इंडिया में लॉन्च किया, मतलब फाइनली लॉन्च किया, यानी कि 5 तारीख को लॉन्च किया इस सितंबर मंथ में, तो उस टाइम से बहुत लोग का मुंह में मैं सुन रहा हूँ कि जियो के साथ टीवी मिल रहा है, बहुत सारे मतलब टीवी मिल रहा है, 4K HD, बहुत तरह का टीवी मिल रहा है। तो आज का वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी के बारे में, और आपको बोलने वाला हूँ इस जियो फाइबर ने क्या क्या प्लान दिया है, और कौन सा प्लान में आपको जो टीवी मिलने वाला है वो उसके बारे में। दोस्तों चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इंट्रो के बाद, और आपसे बात करते हैं इस जियो पूरा प्लान के बारे में जो जियो फाइबर ने दिया है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं इंट्रो के बाद। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि जियो फाइबर ने फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया जो जियो फाइबर नाम का वो उसका जो ब्रॉडबैंड सर्विस वो। तो दोस्तों इसका मतलब जो प्लान है वो 7 वेरिएंट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि फर्स्ट जो मतलब जो जो वेरिएंट है दोस्तों वो है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और टाइटेनियम। मतलब प्राइस रेंज के हिसाब में ये जो प्लान है वो डिवाइड हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है, यानी कि मुझे भी नहीं पता कि आप लोग को पता है कि नहीं, जैसे ब्रॉन्ज जो प्लान है दोस्तों वो 699 में आपको मिल जाएगा, सिल्वर जो है दोस्तों वो 849 में आपको मिल जाएगा, गोल्ड जो है वो 1299 में मिल जाएगा, साथ में जो डायमंड है दोस्तों वो 2499 रुपीज में मिल जाएगा, और जो प्लेटिनम और टाइटेनियम है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। मतलब जो प्लैटिनम है वो 3999 रुपीज में आपको मिल जाएगा, और जो टाइटेनियम है सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट जो प्राइस है दोस्तों वो 8499 रुपीज में। दोस्तों यानी कि जो सबसे छोटा वाला प्लान है दोस्तों वो 699 में आपको मिल जाएगा, और जो टाइटेनियम प्लान है जो सबसे बड़ा यानी कि मतलब सबसे एक्सपेंसिव जो प्राइस है दोस्तों वो है 8499 रुपीज में। तो इसके बीच में आपका जो चॉइस वो आप ले सकते हैं, और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बोलने वाला हूँ कि कैसे आप ये जो प्लान है वो आप ले सकते हैं। दोस्तों मैं तो बात कर दिया इस प्लान के बारे में, अभी हम आगे बात करते हैं इसका पूरा प्लान का जो स्पीड है कितना करके आपको मिलेगा इसका स्पीड, और कितना GB तक इसका जो डेटा है वो आपको मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों हम लोग इसका जो स्पीड है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो मतलब जो अलग अलग प्लान है उसका अलग अलग हिसाब से ये आपको स्पीड देगा, पर दोस्तों वो जो डेटा लिमिट है उसके बाद जो आपको मिलने वाला है दोस्तों वो 1 MBPS स्पीड देखने को मिल जाएगा, पर दोस्तों वो जो डेटा लिमिट आपको पहले से देगा उसका खत्म होने के बाद वो जो 1 MBPS वो आपको मिलेगा। दोस्तों जैसे कि ब्रॉन्ज फर्स्ट हम आते हैं, ब्रॉन्ज का जो प्लान है उसको आपको मैक्सिमम 100 MBPS देखने को मिल जाएगा, साथ में सिल्वर में भी आपको 100 MBPS देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों रुकिए, आप सोच रहे हैं कि ये तो दोनों प्लान है अलग अलग प्राइस रेंज पर सेम स्पीड देगा, पर आपको और बेनिफिट होगा वो बाद में हम बात करते हैं, अभी पहले हम स्पीड के बारे में पूरा प्लान का स्पीड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि अलग अलग प्लान में क्या क्या आपको मिलेगा। जैसे कि दोस्तों गोल्ड जो आपको प्लान देखने को मिल जाएगा वो 250 MBPS तक आपको मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाएगा, सबसे जो तो डायमंड है दोस्तों वो 500 MBPS तक आपको देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों सबसे एक्सपेंसिव जो है प्लेटिनम और टाइटेनियम वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जियो फाइबर ने स्पीड दे रहा है वो दोस्तों 1 GBPS तक जो प्लेटिनम है वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो दोस्तों जो टाइटेनियम है वो भी आपको 1 GBPS स्पीड देखने को मिल जाएगा। जी दोस्तों ये जो इंडिया में फर्स्ट टाइम जियो फाइबर ने लॉन्च किया 1 GBPS तक आपको स्पीड मैक्सिमम देगा। जी दोस्तों ये तो हुआ हो गया जो प्लान अलग अलग प्लान था उसका जो मैक्सिमम स्पीड उसके बारे में। अभी हम दोस्तों बात करेंगे डेटा की, आपको कितना डेटा देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों ये जो हम लोग डेटा का बात करते हैं वो दोस्तों सिर्फ 30 डेज के लिए है, वो भी अनलिमिटेड, मतलब जो अनलिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगा, पर जो आपको लिमिट देगा उसके बाद जो डेटा आपको मिलेगा वो दोस्तों 1 MBPS तक
हाई स्पीड देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों उसका पहले जो आपको आपका जो स्पीड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग अलग स्पीड मैंने पहले ही बता दिया, डेटा भी अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों ब्रॉन्ज का जो प्लान है उसमें आपको 1 GB प्लस 50 GB एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, मतलब 100 GB प्लस 50 GB आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। मतलब 100 GB है आपका जो स्पीड, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जीबी वो दोस्तों है 50 GB। उसके बाद आपको ये जो डेटा ये खत्म होने के बाद आपको 1 MBPS तक स्पीड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सिल्वर का जो प्लान है उसका भी आपको थोड़ा बढ़ा दिया डेटा का लिमिट, जैसे कि इस पे जो सिल्वर का लिमिट है दोस्तों उस पे आपको 200 GB जो प्लान है उसके बाद वो खत्म होने के बाद आपको 200 GB एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। ये जो आपने मतलब मैं जो पहले बता दिया था कि इसका जो स्पीड है 100 MBPS, ये ब्रॉन्ज और सिल्वर में सेम स्पीड है, पर बेनिफिट इधर है कि आपको नहीं सेम ही है, मतलब दोनों इतना ज्यादा मिल नहीं है पर दोनों अलग है, थोड़ा थोड़ा तो आपको देखने को मिल जाएगा अलग। जैसे कि गोल्ड में आपको देखने को मिल जाएगा 500 GB प्लस 250 GB एक्स्ट्रा, और डायमंड में आपको 1250 GB प्लस 250 GB एक्स्ट्रा डेटा देखने को मिल जाएगा। साथ पे दोस्तों ये जो एक्सपेंसिव जो प्लान है प्लैटिनम और टाइटेनियम, इस पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा डेटा देखने को नहीं मिलेगा, इस पे सिर्फ आपको जो प्लैटिनम है वो 2500 GB देखने को मिल जाएगा, और जो टाइटेनियम है वो सबसे जो एक्सपेंसिव है दोस्तों वो आपको 1500 GB देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद मतलब वॉइस का बात करें तो मतलब वॉइस कॉलिंग का जो ऑप्शन आपको जियो फाइबर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो दोस्तों सभी प्लान के लिए इंक्लूड है, मतलब सभी प्लान में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों टीवी वीडियो कॉलिंग भी आपको मिल जाएगा, पर इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा। जैसे कि जो टीवी वीडियो कॉलिंग है उसके लिए आपको 1200 पे करना होगा, मतलब 1 ईयर में आपको 1200 रुपीज अलग से पे करना होगा। और दोस्तों गेमिंग के लिए भी आपको मतलब जो जो गेम आपको प्रोवाइड करेगा जियो उसके लिए भी अलग अलग आपको प्लान मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं उसको पर ईयर में आपको एक अलग सा पे करना होगा, जैसे कि उसमें भी आपको 1200 रुपीज पे करना होगा। दोस्तों आप लोग को मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया कि कैसा करके आपको ये प्लान चूज करना है, और कौन सा प्लान आपको चूज करना है वो तो आपका मर्जी, तो आप लोग चूज कर सकते हैं कौन का प्लान। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे होम नेटवर्किंग, यानी कि जो वाईफाई का आपको सपोर्ट ये जियो फाइबर आपको दे रहा है उसके लिए भी मतलब अलग सा जो पैसा है वो आपको पे करना होगा, और डिवाइस सिक्योरिटी लिए कि आपको पे करना होगा, जैसे कि पर ईयर में आपको 999 रुपीज पे करना होगा। वो आपको 5 डिवाइस में प्रोवाइड करेगा, 5 से ज्यादा डिवाइस में आप लोग नहीं कर सकते, यानी कि आपका फोन कोई भी आप 5 डिवाइस मैक्सिमम चूज कर सकते, उसके बाद आपको डिवाइस में नहीं देखने को मिल जाएगा। ये जो डिवाइस आपको प्रोवाइड करना मतलब ये जो सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोवाइड करो नॉट ऑन के आपको जियो फाइबर आपको प्रोवाइड कर रहे तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। और इसके बाद जो दोस्तों हम लोग बात करेंगे फियर एक्सपीरियंस की, वो दोस्तों सभी प्लान में नहीं दे रहे, 3 तो प्लान में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि डायमंड प्लैटिनम और टाइटेनियम, ये 3 प्लान में आपको ये वीआर एक्सपीरियंस का जो सुविधा वो आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रीमियम कंटेंट में आपको दोस्तों ये जो मतलब प्रीमियम कंटेंट जो जियो गीगा फाइबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोस्तों 3 प्लान के लिए है। ये क्या है, ये है दोस्तों आपका जो मतलब कोई भी शो इंडिया में लॉन्च हुआ, तो दोस्तों इंडिया में नहीं कोई भी कहां कहीं भी लॉन्च होगा तो दोस्तों आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये जियो गीगा फाइबर में आपको देख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों अलग से पे करना होगा आपको, वो सिर्फ 3 तो प्लान में आपको देखने को मिल जाएगा, डायमंड प्लैटिनम और टाइटेनियम में। दोस्तों अभी हम बात करेंगे ये जो आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग जो टाइटल में देख लिए कि मैं क्या दिया था, तो उसके बारे में कि आप लोग को मतलब कौन सा प्लान में आपको टीवी देखने को मिल जाएगा और मतलब क्या क्या फ्री देखने को मिल जाएगा वो अभी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको एनुअल पे करना होगा, मतलब ये जो जियो इसका नाम दिया वेलकम ऑफर एनुअल, मतलब साल में एक बार पे करना होगा, इसके लिए मंथली पे आपको नहीं करना होगा। जैसे कि दोस्तों एनुअल पे ये अलग सा प्लान में अलग अलग है, जैसे ब्रॉन्ज में आपको मिलेगा दोस्तों जो ब्लूटूथ स्पीकर,
इसके साथ आपको मतलब ये जो प्लान है ब्रॉन्ज, इसके साथ आपको कोई भी टीवी देखने को नहीं मिलेगा, पर इसके साथ आपको कोई भी चीज एक मतलब फ्री देगा, वो दोस्तों जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसका आपको पड़ रहा है 2,999 रुपीज पर। दोस्तों अभी तक तो ये नहीं बोला कि कौन सा स्पीकर है, पर इसके जो प्राइस है दोस्तों वो है 2,999 रुपीज। तो इसका जो स्पीड है दोस्तों वो सेम, मैं तो पहले ही बता दिया था कि इसके साथ आपको 100 Mbps देखने को मिल जाएगा, और आपका जो डेटा है दोस्तों वो 1200 GB देखने को मिल जाएगा, और इसका जो आपको पे करना होगा वो ईयरली वो दोस्तों 8,388 रुपीज आपको पे करना होगा, और मंथली तो आपका वो है 699 रुपीज जो ये आपको मिलेगा। तो मतलब ये जो आप लोग फ्री चाहेंगे तो इसके लिए आपको एनुअल पे करना होगा, और दोस्तों इसके इसके साथ आपको मिल जाएगा दोस्तों ये जो वाईफाई का मतलब राउटर, जियो का राउटर, वो उसके साथ आपको सेट टॉप बॉक्स देखने को मिल जाएगा। मतलब ये आपको फ्री में दे देगा। जैसे कि जियो का जो राउटर है दोस्तों वो 5,000 प्राइस है, और ये जो 4K का सेट टॉप बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा ये 6,400 रुपीज इसका प्राइस है। तो अच्छा है, आपका मर्जी, आप कौन सा प्लान ले सकते हैं और लेना चाहिए वो आप तो अच्छे खासे से आपको पता होगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे कि सिल्वर का। दोस्तों सिल्वर का जो प्लान है उसके साथ भी आपको ये जो फ्री पाने के लिए आपको एनुअल पे करना होगा, मतलब एनुअल का जो उसका पैकेज है वो आपको लेना होगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है इसका जो स्पीड मैंने पहले बोल दिया था, इसका जो स्पीड आपको मिलने वाला है दोस्तों वो है 100 Mbps, साथ पे आपको जो डेटा है दोस्तों वो 2,400 GB आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके लिए आपको जो ईयरली पे करना होगा दोस्तों वो है 10,188 रुपीज, और इसका जो मंथली प्राइस है दोस्तों वो 849, वो तो आपको पहले ही बता दिया था। इसके साथ आपको फ्री मिलेगा 12 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर, यानी कि जो पहले ब्रॉन्ज में था उसका मतलब उससे थोड़ा बड़ा है। इसका प्राइस आपको मिलेगा 3,999 में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे गोल्ड का। जो गोल्ड प्लान है उसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो पहले मैं बोल दिया था कि ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का जो प्लान है दोस्तों, ये जो राउटर और 4K सेट टॉप बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, ये ऑल प्लान में जब आप एनुअल पे करेंगे ये जो मतलब ये पैकेज के लिए, सब प्लान में आपको ये 4K सेट टॉप बॉक्स और जो राउटर है वो आपको देखने को मिल जाएगा सभी प्लान में। पर थोड़ा थोड़ा जो अलग सा, जैसे कि ब्रॉन्ज में था स्पीकर, एक छोटा वाला स्पीकर, उसके बड़ा सा जो स्पीकर आपको दे रहा है दोस्तों वो सिल्वर में, उसका बड़ा सा जो अभी हम बात करेंगे गोल्ड, गोल्ड में हम लोग अभी पता करेंगे कि क्या आपको मिलेगा इसके साथ। जैसे कि आप लोग को पता है 250 Mbps तक आपको मैक्सिमम स्पीड देगा, और आपको डेटा मिलेगा 1200 GB तक, और इसका जो एनुअल पे है दोस्तों वो आपको 31,176 रुपीज आपको पे करना होगा, यानी कि आपका जो मंथली है दोस्तों वो है 1,299 रुपीज आपको पड़ जाएगा इसके लिए। और दोस्तों ये प्लान लेने के पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो प्लान है दोस्तों ये 2 ईयर प्लान आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब गोल्ड के लिए आपको 2 ईयर प्लान ये जो 31,176 रुपीज में आपको मिलेगा, इसके लिए आपको 2 ईयर का आपको जो बेनिफिट वो मिल जाएगा, और साथ पे इसके साथ आपको एक टीवी देखने को मिल जाएगा जिसका प्राइस है दोस्तों वो 12,990 रुपीज। दोस्तों ये जो टीवी आपको देखने को मिल जाएगी, अभी तक तो पता नहीं कि कौन सा मॉडल है, कौन सा कंपनी का आपको टीवी देखने को मिल जाएगा, पर दोस्तों ये जो 60 सेंटीमीटर यानी कि 24 इंच का टीवी आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों कोई भी 4K टीवी नहीं है, ये सिर्फ HD टीवी है, यानी कि कोई भी एंड्रॉइड फैंड्रॉइड नहीं है, सिर्फ HD टीवी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ पे मैंने तो पहले ही बोल दिया कि आपको ये 4K सेट टॉप बॉक्स और जो राउटर है वो सभी प्लान के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों डायमंड का। जो डायमंड प्लान है उसको जो आप लोग को तो पता है कि 500 Mbps आपको स्पीड देखने को मिल जाएगा, साथ पे 15,000 GB आपको डेटा मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस है वो है दोस्तों 29,999
988, यानी कि गोल्ड जो है दोस्तों उसके थोड़ा कम है। पर मैंने तो बोल दिया था कि गोल्ड का जो आपको पे करना होगा दोस्तों वो 2 ईयर के लिए है, और दोस्तों ये जो डायमंड है ये 1 ईयर के लिए है। यानी कि जो गोल्ड था वो 31,000 था, मतलब यानी कि 32,000, और ये जो डायमंड है दोस्तों वो 29,000, यानी कि उससे कम करना होगा। इसका जो मंथली दोस्तों आपको पड़ जाएगा वो दोस्तों है 2,499 रुपीज। इसका जो फ्री है दोस्तों, इसके साथ भी आपको एक टीवी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, फिर वो तो मतलब एचडी टीवी है, कोई भी 4K यानी कि एंड्रॉइड फैंड्रॉइड कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ 60 सेंटीमीटर यानी कि 24 इंच का टीवी देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस आपको पड़ जाएगा दोस्तों 12,990 रुपीज। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट प्लान का दोस्तों है प्लैटिनम। प्लैटिनम जो एक्सपेंसिव है ये प्लैटिनम और टाइटेनियम, तो इसका हम बात करेंगे दोस्तों। ये जो प्लैटिनम आप लोग को तो पहले ही बोल दिया था, मतलब इंडिया में फर्स्ट टाइम ये प्लैटिनम पैकेज में आपको 1 Gbps तक स्पीड देखने को मिल जाएगा, और इसका जो डेटा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों वो है 30,000 GB, यानी कि मतलब बहुत बहुत डेटा आपको देखने को मिल जाएगा साथ पे दोस्तों। इसका जो एनुअल पे करना होगा आपको वो है 47,988 रुपीज, यानी कि मंथली में आपको 3,999 रुपीज पे करना होगा साथ पे दोस्तों। ये जो फ्री आपको देखने को मिलेगा इसके साथ वो है दोस्तों 80 सेंटीमीटर का एक HDTV, कोई भी 4K TV इसके साथ भी नहीं देखने को मिल जाएगा, और एंड्रॉइड टीवी भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसके साथ आपको 8 सेंटीमीटर यानी कि 32 इंच का टीवी देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों कोई भी टीवी अभी तक तो अनाउंस नहीं किया कि कौन सा कंपनी का आपको टीवी देखने को मिलेगा, और कैसा होगा वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। और इसका जो प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों वो है 22,990 रुपीज़। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सबसे बड़ा यानी कि सबसे एक्सपेंसिव जो पैकेज है उसके बारे में, यानी कि टाइटेनियम। टाइटेनियम में आपको क्या क्या मिल जाएगा वो हम बताएंगे दोस्तों। आप लोग को बताया कि पहले से ही 1 Gbps तक आपको स्पीड देखने को मिल जाएगा, साथ पे इसका जो डेटा लिमिट है दोस्तों वो है 60,000 GB, यानी कि बहुत बड़ा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो मंथली सॉरी ईयरली पैकेज है दोस्तों वो थोड़ा एक्सपेंसिव है दोस्तों, वो है 1,999 रुपीज, यानी कि मंथली आपको पेमेंट करना होगा दोस्तों 8,499 रुपीज। मतलब सबसे बड़ा जो पैकेज है इसके लिए आपको 1 लाख पे करना होगा, मतलब डेटा के लिए 1 लाख, सोच सकते हैं आप, डेटा के लिए 1 लाख पे करेगा। पर अच्छा है आपको 1 Gbps तक स्पीड, मतलब ये एक बात है ना कि अच्छा चीज पाने के लिए अच्छा खासा पे करना होता है, तो इधर भी वही किया जियो ने कि 1 लाख का आपको 1 Gbps तक स्पीड देगा, वो नहीं कि डेटा आपको 60,000 तक डेटा आपको मिल जाएगा, और मंथली जो 8,499 रुपीज में पे करना होगा। और दोस्तों इसके साथ जो फ्री देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो सभी का मुंह में आ रहा है कि 4K TV 4K TV, वो दोस्तों इसके साथ ही आपको मिल जाएगा, यानी कि सबसे एक्सपेंसिव जो डेटा का प्लान है उसके साथ, यानी कि 108 सेंटीमीटर का आपको टीवी 4K TV देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस आपको पड़ जाएगा दोस्तों 4,499 रुपीज। पर दोस्तों ये जो मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ कि फ्री का जो साइड में बात कर रहा हूँ कि इसका प्राइस दोस्तों वो उसका प्राइस है, उसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना होगा, उसका सिर्फ वो जो प्राइस है दोस्तों मतलब 4K TV देखने को मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। और दोस्तों आप लोग बुक करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका जो जियो का जो ऑफिशियल साइट है उस पे जाके आप लोग कर सकते हैं बुक, मतलब आप लोग को अच्छा खासा से उस स्टेप फॉलो कर सकते हैं, मतलब बहुत इजी है, और आपका फोन से भी आपका स्मार्टफोन से भी आप लोग बुक कर सकते हैं। ये जो दोस्तों प्लान है, मतलब ये जो जियो गीगा फाइबर ये 5 तारीख को लॉन्च हुआ, यानी कि 5 सितंबर को लॉन्च हुआ, तो अभी आप बुक करेंगे तो बहुत, मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और मैं तो सभी प्लान बता दिया, बाकी आपका मर्जी, आप कौन सा प्लान ले सकते या लेना चाहते तो ले लीजिए। स्पीड तो अच्छा खासा से मैं बोल दिया कि कौन सा प्लान में आपको कौन कितना कितना स्पीड आपको मिल जाएगा, तो बाकी सब आपके ऊपर। तो आज का वीडियो में इतना ही,
आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।